नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज। मिर्जापुर मड़िहान के जंगल में गुरुवार को अचानक भड़की आग पर अग्निशमन विभाग ने कुछ ही घंटे में काबू पा लिया। यह आग एशियन फ्लैक्स फाउंडेशन के पास जंगल में लगी थी। अग्निशमन अधिकारी ने जंगल में लगी आग को लापरवाही का परिणाम बताया कि जंगल में आग ना लगे इसके लिए लोगों को समय समय पर जागरूक किया जाता रहा है। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट। ये आग जो है जंगल में यहाँ लगी है, यसिन फ्लैग आश्रम के पास में लगी है और यसिन फ्लैग के कर्मचारी और हमारे कर्मचारी मिल करके आग को काबू कर लिए हैं। आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है और हम लोग कोशिश करते हैं, हमेशा हमेशा जागरूक भी करते हैं, कोई जंगल में आग भी नहीं लगाएं जिससे जो है आगजनी की घटनाएं ना हो। सर लगातार अभी धुआं चल रहा है लगातार यहाँ पर। हाँ थोड़ा लगभग क्या है, जंगल देखिए ये जंगल है, जंगल में जो जड़ में थोड़ा सा पकड़ लेता है तो धुआं निकलता ही है, लेकिन हम लोग पीट रहे हैं, पीट गया, पानी भी डाल रहे हैं, पीट भी रहे हैं, बुझा देंगे, कंट्रोल हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। कितना एरिया लगभग जला होगा सर? एरिया तो एक दिशा एक ये है 20-25 दिशा में है। अच्छा नहीं लगा अच्छा ठीक। कुछ नुकसान भी हुआ है सर? नुकसान जो है जंगल के झड़फूट हैं और हर साल जो सूख जाते हैं गर्मी में, इसलिए जो है इसमें थोड़ा सा आग तेजी पकड़ता है और उससे कोई आग लगने के नुकसान हो। आग लगने के कारणों का पता चला क्या है? आग लगने का कारण ये जो लकड़ी काटते हैं, ये लोग लकड़ी काट करके कभी बीड़ी सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं और छोड़ देते हैं, धीरे धीरे जो है आग लग जाती है। लेकिन हमारी फायर सर्विस जो है ऑन वॉच रहती है, मैं काफ़ी जो है काफ़ी इस बार सतर्क भी किया हूँ, कोई भी लकड़ी काटे उसको समझाइए, ऐसे कारण करें, जैसे बच्चे जीते हैं तो उसको बचाते हैं पूर्ण रूप से जंगल में।